सो हे गाइस, वेलकम बैक. सो ये ब्लॉग है मेरा हॉस्पिटल जाने का, मतलब आज द डी डे हैज कम. सो टुमारो इज मंडे, आज है संडे. तो संडे इवनिंग को मेरे को डॉक्टर ने बोला कि एडमिट हो जाना, क्योंकि इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, मेरे को इंड्यूस करेंगे और रात के वक्त आफ्टर डिनर, तब जाके मंडे शाम तक में शायद होए. तो उसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं, मनीष और मैं, घर से वही 7 बजे अराउंड. थोड़ा सा कुछ खा के निकल जाएंगे और फिर वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, रूम अलॉट होगा. तो लास्ट पैकिंग. सो मनीष को समझा दे रही हूँ कि अगर मैं उस हालत में नहीं रही और कुछ चाहिए होगा तो हड़बड़ा जाएंगे. तो ये देखिए मेरा सूटकेस, मैंने अपना गाउन रख लिया, 2 गाउन, मनीष के कपड़े रख लिए हैं, कुछ टॉवल रख लिया है, इनर्स रख लिया है, एक मंचिंग के लिए अखरोट और वो सब रख लिया है ना, और फिर टॉवल, छोटे छोटे टॉवल, सॉक्स रख लिए, मास्क, मैंने वेंडेले का मास्क मंगाया है तो ये रख ले रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगा, हॉस्पिटल में रहेंगे ऐसे भी है ना. तो 15 मास्क रख लिए हैं, पैक ऑफ 5 है. चार्जर रख लिया है तुम्हारे ओढ़ने के लिए. Okay. इसको मैं ऊपर ही रखूं? हाँ, ऐसे रख दूं. ऐसे ही रख दे रही हूँ. और बाकी सब ये बच्चे का सामान है, ये 2 मेरा है ना, ये ब्रेस्ट प्रेड है, ये सब तो शक है बाद में जरूरत होगा. तो बस हमको पहला आइटम बता दो जो जब वो लेके आएंगे, वो मांगेंगे तो मुझे देना पड़ेगा. क्या मांगेंगे? अरे वो बच्चों को लेके आएंगे, मांगेंगे कि तो ये इसको पहनाने तो कपड़ा ले लेना, ये ऐसे लपेटने के लिए, लपेटने के लिए. और कपड़ा जो है नीचे रखा है. अच्छा, इसमें से ये ले लेना. ओके, तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक पूरा सेट हो गया. ये पूरा सेट है, ये क्या है, देख ले. खुदा को नहीं मालूम है, हम का बता ही रहे हूँ. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो आई डोंट नो. देखो खुदा को नहीं मालूम है. तो इसको ले जाना, हम कुछ उठा के दे देंगे और देखा जाएगा. नहीं तो ऐसे खोल लेना ना, इसमें टोपी भी है और ये सब. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो गिराना नहीं, और एक कपड़ा ऐसा ले लेना. ठीक, कुछ छूना मिली है तो यही ये बैग ही उठा के लेके जाना. बैग उठा के दे देंगे, कहीं भैया छांट लियो, यही है. और ये अलग अलग साइज के हैं, जो भी साइज आ रहा है ना. तो तो ये टॉवल सबसे नीचे रख दे, तो इसको ऊपर कर दे. हाँ, ठीक है, इसको भी ऊपर कर दे क्या. हाँ, ऊपर ही रखो बस, बेस्ट. ये स्लीपिंग बैग है, ये वहां पे शायद नहीं देते, लेना पड़ता है. बहुत से सब्सक्राइबर ने हम लोग को बोला कि एक स्लीपिंग बैग ले लीजिए क्योंकि कैरी करने के लिए इजी रहता है, तो ले लिया है. ये लव लैब का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, अराउंड 400 रुपीज़ का है. ये मैं पहले मिमी का मंगाया था, लेकिन मिमी का क्वालिटी बहुत ही गंदा था तो उसको तो रिटर्न कर दिया. अब देखो इसमें आता है. ये एक टिश्यू पेपर रख लिए है, ये किचन टॉवल, ज़रूरत पड़ सकता है. सो ऑल सेट, और उसको डाल दो, आएगा नहीं गैस के अंदर. टॉयलेटरी बैग है, इसमें आएगा नहीं. आ जाएगा, तुम दबा दे फंस के, जो निकलना होगा पिचपिचा के अंदर ही निकल जाएगा. कपड़ा नहीं खराब होगा ना, बस खत्म. हाँ, इसको इसके नीचे डालो. हाँ, ये सही है ना. अब इसको ऊपर कर दिया, ये अंदर अब आ जाएगा. अब डाल दो इसके ऊपर बस. ये आदत छूट गई है ना, 9 महीने हम लोग घूमने नहीं गए, नहीं तो उसे वो बैठ जाती थी. हम लोग बहुत प्रो है पैकिंग करने में. क्या क्या कुछ करते थे, हर ट्रिप में जाना पड़ता था ना, लेकिन 9 महीने से कहीं गए नहीं, सूटकेस पैक ही नहीं किया. तो चलिए अभी ये देखिए टाइम 2:20. हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 7 o'clock निकल जाएंगे, तो अभी लंच करते हैं, भिंडी की सब्जी खा लेते हैं और फिर थोड़ा सो लूंगी. अभी पता नहीं नींद आएगा नहीं आएगा, रात भर तो जगराता करना पड़ेगा आज. भिंडी की सब्जी तुम्हें मालूम है ना, जानबूझ के मैंने बनवाया, क्यों तो मैं अनीमा में थोड़ा फायदा रहे. और फिलहाल एनीवेज अभी 2:30 हो रहा, बस तुम्हारे पास 24 घंटा है, पल्ले कल 2:30 पे. अरे अभी जो इंड्यूस करने के बाद पेन होगा उसका क्या, तो अभी जो तुम्हें पेन हो रहा था वो क्या हुआ, फिर से ठीक हो गया. ठीक हो गया तुम्हें, हमें लग रहा है बीच बीच में वो अलार्म्स आ रहे हैं, है ना. ये दूसरा है, तीसरा था ना पीछे, वो कहाँ पर आ रहा था, बैक बैक साइड में, साइड में भी आ रहा है, आगे भी आ रहा था. तो चलिए अभी खाते हैं, सोएंगे और फिर निकल जाएंगे. हॉस्पिटल में तो वेट चेक करेंगे, लेकिन एक बार घर के मशीन में वेट चेक कर लेते हैं कितना है.
और निकलने के बाद कितना होगा? 91.5 मेंटेन, देखो डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा तो बहुत बढ़ गया है, 3 महीने पहले ही तुम्हारा, 3 या 2 महीने पहले ना। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला 3 kg अलाउड है, लेकिन मैंने वो 3 kg भी नहीं गेन किया, उसी में ही घटा लिया, मेंटेन कर लिया। तभी तो डॉक्टर बोले कि हाँ तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। तुम ज्यादा भिंडी खाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हारा अनीमा सटासट होना चाहिए। सुनो ए, सोने से पहले ये देख लो, तुम्हारा लुई विटन का पर्स में से सब निकाल के तुम्हारे पुराने पर्स में रख दिया है। मेरे कार्ड्स भी वहाँ पे हैं, आधार पैन कार्ड सब तुम्हारे पर्स में रख दिया, क्योंकि मेरे पास मैं पर्स नहीं लेके जा रही हूँ। यहाँ पे ये देखो, पुराने पर्स में सब डाल दिया है तुम्हारे कार्ड्स और मेरे कार्ड्स, है ना, कुछ पैसे रख दिए और ये ट्राइपॉड रख दिया, ये मेरा मेडिकल फाइल, ठीक है। सो ऑल सेट, संडे नाइट इस समय बज रहा है 8, तो निकलते हैं, पहले में खिचड़ी खा ली है थोड़ी सी। सो फिलहाल अभी ये दूध पियेंगी जो लोगों ने रिकमेंड किया है, बट अब निकलते हैं। मैडम ऑल सेट रेडी टू रॉक एंड रोल, लेट्स फेस एवरीथिंग व्हाटएवर कमिंग। फुल एक्साइटेड है पल्लवी, फुल एक्साइटेड। झोला उठाओ, वही वाला कौन सा है, राजस्थानी स्वीट्स, इसमें वो है थोड़े बहुत खाने पीने का सामान है, खिचड़ी में खा ली, अब दूध पियेंगे, दूध में घी डाल के और फिर भगवान को प्रणाम करेंगे और चल देंगे। अब वो तो भूल ही गई तुम अपना भानुमती पिटारा बड़ा वाला। हम मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई इंटरनेशनल ट्रिप में जा रहे हैं, है ना, रात को निकल रहे हैं, वो सबने तो रह गए है ना इसमें कोरोना टाइम में, लेकिन अब पूरे होंगे, तो रोविंग कपल में रोविंग बेबी भी आ जाएगा साथ में। अबे ये वेट कर रहे हैं क्या, ये भी चलेंगे, वी आर गोइंग You'll stay here, guard the house, be a good girl. हमको क्या धक्का दे रही है? नहीं तुम नहीं जाओगी इसमें। वाह वाह, ऊपर से 2 चम्मच मस्त, तो दूध और ले लो। नहीं बहुत ज्यादा, कल सोमवार है, जय शंकर भगवान करके पी जाओ, जय भोले बाबा की पी जाओ। सिर्फ मामा के पियो आराम से, टाइम बहुत है, अभी 8 ही बजे हैं हम लोग के, आराम से 9:30-10 बजे तक चेक इन करेंगे। संडे है, ट्रैफिक मिलेगा, ये बात भी है। ए पिक्सी, हम लोग जा रहे हैं, चलो घूमी, तो वो चल जाएगी तुम्हारे ऊपर, दूध दूध गिरा देगी अभी। पिक्सी वो तुम्हारा हमने बना दिया, वहाँ पे जाओ, यहाँ कमी, चलो गो दे, गो गो सिद्ध दे, चलो छोड़ दो, हम उतारते हैं तो बस वहाँ उतर ना, लेट्स गो, चलो एयरपोर्ट डाब देते हैं, कहीं निकल जाते हैं। एयरपोर्ट डाब देते हैं, आएगा मौका, आएगा सब हो जाए सही से, बढ़िया।
कितने ले लिए? कार्टून ले लिया जो? क्या हुआ? कितने ले लिए? ये छोटे वाले 10 बॉटल ले लिए। अच्छा क्या दोसा जाओ खिला दो भाई जाना। नहीं खा लीजिए ना। जाओ खा लो, क्या खाना है, हम खिला देते हैं। पार्सल करेगा? पार्सल करेगा क्या? डोसा? डोसा उसका नहीं। फिर क्या खाएगा? राइस है। राइस कौन सा? कर्ड राइस। चलो चलो वैसा दे ना। क्या खाएगा बोलो? कर्ड राइस या बिरयानी? ना बिरयानी रखो। अरे राइस क्या करे, दे दे या पैसे दे दे? पैसे दे दो भाई। दे दे भैया, आग भैया नहीं ना अबा ये सर पे अबा ना तुम... स्वादा बटन में स्वादा अबा उसके सामने ना के रमा अमा। थैंक यू। चलो पहुंच गए हॉस्पिटल एपोलो क्रेडल। फाइनली पहुंच गए हैं, बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर दिया है। अब जा रहे हैं रिसेप्शन में फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए। अभी देखें क्या होता है। टाइम इज 9:09। आने के साथ साथ बहुत सारे फॉर्म हैं। पॉलिसी नंबर, टीपीए कार्ड नंबर कौन सा होगा? और ये होगा क्या? मेंबर आईडी। सो आते ही 3-4 फॉर्म दे दिया है। एक इनिशियल एडमिशन असेसमेंट रिकॉर्ड, फिर डिक्लेरेशन बाय पेशेंट और फाइनेंशियल काउंसिल, ये भर रहे हैं। तो ये भरने के बाद रूम अलॉट होगा। ये अटेंडेंट भी घर भर सकते हैं, लेकिन मैं ही भर दूँ सिंस आई एम साउंड एंड वो कोच में हो। रूम नंबर 113 दिया है, 113। सो सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे ओटी है इनका। और बोल रहे हैं इंश्योरेंस के लिए आप सुबह आ जाना। हमने कहा सुबह नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा, आई कैन नॉट लीव द पेशेंट। तो आपके पास टाइम अभी है? हमने कहा अभी है। क्या क्या चाहिए बता दो। तो कह रहे हैं वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो आईडी, पॉलिसी कार्ड और फिर लास्ट ग्रोथ स्कैन, इसका स्कैन कॉपी हमको दे दीजिए। हमने कहा जो तुम्हें चाहिए अभी ले लो, सुबह हमको परेशान मत करना क्योंकि हम अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। हो गया चले। 113 सेकंड फ्लोर। मैं पूछा व्यू अच्छा है, तो कह रहा अच्छा है। ना अच्छा तो बताइएगा, चेंज कर देंगे। 10 बज रहा है, 1 घंटा लगा। अरे खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा है, इट्स गुड। Housekeeping, security, canteen, everything is there. Canteen is in 5th floor. Okay. Fridge is also there. Yeah, we have some water bottles, so we thought. Bell, okay. Like Okay. Then towel. Okay. Anyway, you should just call me, okay? I'll come and help you for everything. Okay. So you are in night shift? Night shift. Okay. Dress. Okay. I'll get a check.
सो ये है हमारा रूम, घुसते ही खत्म हो जाता है। सो ये डिलक्स रूम है, बेड मिलता है, अटेंडेंट के लिए सोने के लिए जगह है, टीवी है, हीटर है, फ्रिज है एंड एसी है एंड बाथरूम इस तरफ है, डिसेंट रूम है। चेंज कर लिया है, अब जा रहे हैं प्रोसीजर स्टार्ट करने। सो मैं लेट गई, नर्स आई थी, थोड़ा क्लीन व्लीन की नीचे मेरा, और फिर ये ड्रेस पहना दिया, और भी एनएसटी लगाया है, और एनएसटी अभी 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद लेबर इंड्यूस करेंगे डॉक्टर से पूछ के कि कैसे करना है। और अभी तो टाइम आप देख रहे हो 10:45, तो अभी क्या करें, सोया ही जाए और क्या करें। वैसे तो हमको बोली नर्स जो है कि आप सो सकते हैं, ऐसा नहीं है, रात में तो कुछ होगा नहीं, बस ये है कि इनको थोड़ा सा पेन दिया जाएगा और कुछ लगाएंगे, अभी आई डोंट नो व्हाट इज द नेम, लेकिन इसको लगाने में 12 घंटे में के अंदर पेन होता है या 12 घंटे के अंदर डिलीवरी होती है। अच्छा। वरना दूसरा जो नीचे से देते हैं उसमें 6 आवर्स में हो जाता है। तो मोस्ट तो डॉक्टर बोले कि डॉक्टर ने आपको लिखा है वो वाला, আপনি বাহিৰ দেখা পাব, ক্লিয়ার কৰি পাব। Sister, what was the gel name? Proste something? That is not gel, sir. Propace pressori. Propace pressori. It's a string, no? It is one like thread mark. Thread, okay. So this is a BP. The chehra glow kar raha hai, sir. Garmi hai, no? Any headache, tenderness, tumors, anything, ma'am? No. पल्ली चाह रही जल्दी से दर्द आ जाए। क्यों नहीं आया? फर्स्ट टाइम मदर एक्साइटमेंट हो रहा है तुम्हें, है ना? पता नहीं कैसा होगा भाई, पता चल जाएगा। नाउ नाउ कितने बार जजमान दे देख लियो। 10 o'clock रूम में घुसी, फिर 10:30 ड्रेस चेंज की, फिर वो नर्स आई मेरे को नीचे क्लीन किया, फिर 10:50 अराउंड डॉक्टर आई, उन्होंने एनएसटी रिपोर्ट दिखा, एनएसटी लगा के रखी थी नर्स ने, एनएसटी रिपोर्ट दिखा, फिर डॉक्टर को कॉल किया, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन किया। उफ, बाप रे, दैट वाज स्केरी। वो करने के बाद फिर डॉक्टर को फ़ोन की, पता नहीं क्या बात किया, फिर एग्जैक्ट 11 o'clock मेरे को इंड्यूस किया। तब इंडक्शन, इंड्यूस मतलब इट्स नॉट अ जेल, ये कुछ तो एक थ्रेड टाइप का है, सो वो नीचे मेरे वजाइना के अंदर डाला है, और थ्रेड नीचे से एक थोड़ा सा लटक भी रहा है, क्या एक नाम है मैं नीचे लिख दूंगी, सो वो है। तो बोला कि वी विल चेक यू आफ्टर 12 आवर्स, मतलब अभी 11 बजे डाला है तो मॉर्निंग 11 बजे फिर आके चेक करेगी, लेकिन अगर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है, तब वो बीच में आके चेक भी कर सकती है। डॉक्टर बोली कि खाली तुम 1 centimeter ही अभी डायलेट हुई हो, सो यू हैव टू गो फ्रॉम 1 to 10, सो लॉन्ग वे। सो अब मेरे को जैसे कि अभी टाइम हो गया है 11:25, आई एम पेट में हल्का एक टाइटनेस आ रहा है, सो होपफुली आई विल गेट द पेन प्रीटी सून। थोड़ा आधा पार्ट बाहर लटका है। मैंने गूगल सर्च किया, आई डिडंट फाइंड दैट, सो आई कैन नॉट राइट दैट नेम व्हाट एग्जैक्टली द स्पेलिंग इज, बट इट्स
प्रोफेसरी समथिंग, सो जिनको मालूम होगा उनको पता चल जाएगा। सो एक घंटा लेटने के लिए बोला है, सो 11 बजे इंड्यूस किया है, तो 12 बजे तक, और उसके बाद 12 बजे तक उठना नहीं है, उसके बाद फिर आएंगे वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद आई कैन ईट और आई कैन मूव है सब बोला है। आई एम फीलिंग लाइक दिस, अंदर से टाइट हो रहा है, आई डोंट नो। हां तो वो अंदर से होगा ना ऐसे ऐसे। अच्छा देखो क्या होता है, बेस्ट मोमेंट पाली भी वो मैच मोमेंट आने वाला है तुम्हारे लिए, जिसके लिए बहुत वेट कर रही थी ना तुम। देखो इट्स लाइक अ पहाड़ चढ़ना होता है ना, तो मैं अभी यहाँ नीचे हूँ, एकदम नीचे हूँ, मेरे को माउंट एवरेस्ट अभी चढ़ना है रात भर में माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगी और सुबह जैसे ही डॉक्टर आएंगी 2 घंटे के अंदर फिर से फिसल आओगी नीचे। अरे बाप रे, देखो 12 घंटे क्या होता है। तो मैंने पूछी भी, ये डॉक्टर भी बोली कि योर बेबी इज बिग, तो मैंने पूछा निकल आएगा, हेड एंगेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो लेबर जब पेन आएगा तभी पता चलेगा। So, don't know whether it will be normal or C-section. चलो बताएं यो क्या करना है। I'll give first test dose. Some people are not suitable for all drugs. This IV for? This antibiotic. Oh, antibiotic. घोर अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। क्यों? यार के क्या घुसा दिया है मेरे में? Oh God. आईवी लेने के लिए कुछ भी लगाना इसी से जाएगा। हाँ उस दिन दर्द किया। हाँ। हाथ कैसे, मैं क्या करूँ? ये क्या लिखा हुआ है? इसमें कुछ तो एक टेस्ट करने के लिए कुछ तो डाली है एंटीबायोटिक टेस्टिंग। अगर कुछ रैशेस आते हैं तो बताने के लिए। नाइस। और यार ये ऐसे क्यों लगा दे ऐसे पोजीशन में? वो सब छोड़ दो, वहाँ चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, क्या लगा क्या ही वो? कुछ नहीं लगा क्या है, मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, एसी का मूड है। उसे बोला सेंट्रलाइज एसी ऑन कर रहा है, चलो देखते हैं। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, मेरे हाथ तो इमोबिलाइज हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, चलेगा, हल्का फुल्का चलाओ। जिस पोजीशन में तुम्हें लगे कि दर्द नहीं हो रहा उस पोजीशन में रखो उसको, अभी तुमको कल परसों तक लगेगा जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। ऐसा कुछ भी चेंजिंग उनको डालना है, अंदर इंजेक्शन देना है, कुछ भी चढ़ाना है, सब इसी से जाएगा। फर्स्ट टाइम हूँ ना मैं, कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया। तो पहली बार हॉस्पिटल में आई, आज तक कभी हॉस्पिटल में नहीं आई, मतलब एडमिट तो पहली बार कभी एडमिट नहीं हुई हो, ये सब अत्याचार नहीं हुआ था कोई नहीं कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, ये भी एंजॉय करो। एंजॉय करो ना और कुछ। प्रोफेसरी, ओह नाइस, नाम तो हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं मिला ही नहीं ऑनलाइन। क्या सिग्नेचर क्या है? पेशेंट सिग्नेचर, हस्बैंड सिग्नेचर। नहीं, व्हाट इज दिस, व्हाट इट सेज? कंसेंट। इसमें कैंटीन का 276 है, तुम्हारा शुगर उसने बोला है 85 है, तो कुछ खाने को बोला है। हाँ। क्या मंगाया कैंटीन से बताओ? कैंटीन का नहीं खाना है ना, सादा वाला खाना बाहर से खाएंगे। पागल हो क्या? कैंटीन से नहीं खाओगी, बाहर से खाओगी? कैंटीन का एकदम सरावा खाना होगा, उनको नहीं खाना है। अभी मैं मतलब अभी तक तो कुछ मैं बीमारी हालत में नहीं दिख रही हूँ ना, तो आई कैन ईट समथिंग गुड। मतलब इसमें खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, है? नर्स ने तो बोला कि खा लो, डॉक्टर ने भी बोला कि खा लो। कर क्या रही है, ऑर्डर कर रही है क्या? डोमिनोज ऐप डाउनलोड कर। कुंदन हली है, वेज खाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं चिकन खाऊंगी, मैं वेज खाऊंगी, मुझे वेज का एक पसंद है। वेज एक्स्ट्रा वेगन गार्लिक ब्रेड खाओगे? बाहर पूछ लेते हैं उन लोगों से, आप लोग खाएंगे गार्लिक ब्रेड? खाओगे गार्लिक ब्रेड? खा लेंगे, एक मंगा लेते हैं। सिस्टर से, उसका नाम क्या था सिस्टर का? क्या हुआ? तो मैडम को पिज्जा खाना था, हमने कहा रुको जो आके पूछ के आते हैं, तो वो सिस्टर तो बोल गई हाँ खा सकते हैं, नो वरीज, बिरयानी एंड ऑल। मैं वहाँ गया, पूछा, हमने कहा शी वॉन्ट्स टू ईट पिज्ज़ा, डोमिनोज का वेज पिज्ज़ा और साथ में गार्लिक ब्रेड खा सकती है? तो उसने कहा लाइक वो पूछ ही लेता हूँ। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, गरिमा जैंस पेशेंट वांट्स टू ईट पिज्ज़ा और साथ में वो भी डोमिनोज का साथ गार्लिक ब्रेड। तो मैंने कहा नो डोंट ईट एनीथिंग, शुगर बहुत हाई हो जाएगा, जस्ट टेक लाइट फूड। सो लाइट मील मीन्स
यहीं से ऑर्डर होगा। क्या यार टॉर्चर ये सब, मतलब आज ही के दिन तुम्हें सब करना है। जो कोई जो वीडियो देख रहा होगा ना वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर। कहीं यहाँ पर लीला में आई हो क्या मौज लेने हैं कि बढ़िया बेड मिल गया, एसी चला दो, पानी यहीं दे दो, सब आ रहे हैं खिदमत में और कहेंगे मैम पिज्जा भी खाएंगी। अब देखो वहाँ पे क्या है, इडली सांभर क्या मिलेगा। ब्लैंड फूड बोला उन्होंने, बिल्कुल लाइट ऑन स्टमक। जो साइड लेटाया है तो हार्ट बीट तो वैसे ही है, जो साइड में है नंबर वो सिक्स पे है, वो अभी 40-40 पे चल रहा था, साइड में भी सिक्स पे आ गया है। पहले जीरो पे था फिर वन फिर सिक्स। मेरे को धीरे धीरे अभी थोड़ा पेन फील हो रहा है, पेन मतलब एकदम एक्सट्रीम नहीं लेकिन हाँ एक टाइटनेस है नीचे, वो आ रहा है जा रहा है आ रहा है, और पीठ के तरफ भी है टाइटनेस। खाना तुम्हारा तब से पिछले आधे घंटे से ठंडा हो गया है। 100 रुपए के खाने में क्या दिया? बढ़िया सा चावल है, चावल तो बहुत सारा है, तड़के वाली दाल है और ये कोई मिक्स सब्जी है, दाल चावल सब्जी। Now it's time to relax. NST हो गया, अब धीरे धीरे दर्द आ रहा है पीठ से, पीठ में ऐसा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, फिर वो आगे की तरफ आता है, आगे थोड़ा हार्ड रहता है, फिर रिलीज होता है। डीप ब्रेथ इज द मंत्रा। हाँ कर लो नौटंकी थोड़ी देर, अभी जो असली वाला आएगा तब देखेंगे, तब देखबे हम, देखाओ। I'm a strong girl. आने तो दो। चलो खाया, थोड़ा भोजन खा देती हूँ। खोल दें, खोल लोगी। It's 1 o'clock. तो मेरे को भूख लग रही है, पिज्जा खाने का मन था फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब ये खाएंगे। ठंडा हो गया होगा। तो हो ही गया। Cheers. So, बेड भी उठा दिया, खाना पीना भी तुमने खा लिया, बढ़िया टीवी भी चला दी है, अब कहो तो लाइट को जो है डिम कर दें। बस तुम भी सो। हम भी सोते हैं, हमारा तो बिस्तरा लगा हुआ है यहाँ पर, तुम्हारा वो ओढ़ने वाला मैं लाई हूँ। अरे हमको ओढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी ठंड लगेगी ना, जब लगेगी तो देख लिया। अब मैं देख रही हूँ एवरी 10 मिनट्स मेरे को आ रहा है थोड़ा सा, मतलब पीछे की तरफ से ऐसे टाइट होके आता है आगे की तरफ और फिर रिलैक्स होता है। चलो गुड है। 12 आवर्स में से 2 आवर हम लोग ने काट लिया है, है ना, अभी 1:10 हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग देखिए। और चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर नए हो और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, चलो यू टेक रेस्ट।